नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। प्रमुख शरद पवार का मानना है कि ईवीएम पर कांग्रेस को गुमराह करने के लिए बीजेपी 3 राज्यों के चुनाव हार गई थी। उन्होंने कहा ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव बीजेपी जानबूझकर हारी थी। पवार के मुताबिक बीजेपी ने लोकसभा चुनाव जीतने के लिए ऐसा किया था। एनसीपी की महिला नेता को सरेआम लात मारने के बाद विधायक बलराम थवानी ने मांगी माफी और राखी भी बंधवाई। नीतू तेजवानी को अपनी बहन बताते हुए कहा कि मैंने जो किया उसके लिए शर्मिंदा हूं और दोनों के बीच का विवाद अब सुलझ गया है। खाने पीने की चीजें हुई महंगी, खाद्य पदार्थों का सूचकांक बढ़कर 7.37 अंक पर पहुंचा। दिसंबर अप्रैल की तिमाही में आए चौंकाने वाले आंकड़े। पश्चिम भारत और दक्षिण के राज्यों में सूखे की वजह से खाने पीने की चीजें हुई महंगी। महागठबंधन आया टूटने की कगार पर। मायावती ने कहा अखिलेश अपनी पत्नी की सीट भी नहीं बचा पाए। मायावती अकेले ही लड़ सकती हैं आने वाले उपचुनाव। पूर्ण बहुमत के साथ दोबारा बने प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल को 5 साल के लिए कैबिनेट रैंक का दर्जा दिया। मोदी सरकार ने सम्मान डोवाल के योगदान को देखते हुए दिया। इससे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था। असम से अरुणाचल प्रदेश जा रहा वायुसेना का AAN-32 विमान लापता। AAN-32 ने दोपहर 1 बजे के करीब भरी थी असम से उड़ान। विमान के अंदर 13 लोग थे सवार। विमान की खोज के लिए वायुसेना ने Sukhoi-30 और C-130 स्पेशल ऑपरेशन एयरक्राफ्ट को AN-32 को खोजने के लिए लगाया है। गिरती जीडीपी और बेरोजगारी को लेकर एनडीए की सहयोगी शिवसेना ने बीजेपी को चला देते हुए कहा कि विज्ञापनबाजी ना करते हुए अब काम करें। शिवसेना ने यह भी कहा कि इसका इल्जाम गांधी नेहरू परिवार पर नहीं डाल सकते। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा को बड़ी राहत देते हुए उन्हें 6 हफ्तों के लिए विदेश जाने की अनुमति दी। रॉबर्ट वाड्रा ने कोर्ट के सामने याचिका दायर कर मांग की कि उन्हें इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति दी जाए, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। महिलाओं को मुफ्त DTC बसों और मेट्रो सेवाएं देने के लिए दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने अधिकारियों को 1 हफ्ते में प्रस्ताव देने को कहा। केजरीवाल ने यह भी कहा कि इसको लागू करने में लग सकते हैं अभी 2-3 महीने। एनडीए में फूट और नीतीश कुमार की नाराजगी पर बोले केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, कहा एकजुट है गठबंधन और नीतीश बने रहेंगे बिहार के नेता। सुल्तानपुर से बनी सांसद मेनका गांधी ने अपने क्षेत्र का दौरा करते हुए कहा कि कोई भेदभाव किए समाज के हर वर्ग का विकास करेंगी। बता दें कि चुनावी रैली के दौरान मेनका गांधी ने कहा था कि जहां से ज्यादा वोट मिलेंगे उनका ही विकास करेंगी। रिकॉर्ड पार करते हुए बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 553.42 अंक की तेजी के साथ 40,267.62 पर, तो निफ्टी 165.75 अंकों की तेजी के साथ 12,088 पर हुआ बंद। सिद्धार्थ मल्होत्रा और परिणीति चोपड़ा की फिल्म जबरिया जोड़ी की रिलीज डेट में बदलाव। अब होगी 2 अगस्त को रिलीज। Super 30 से क्लैश की वजह से बढ़ाई गई फिल्म की रिलीज डेट। इंग्लैंड को 348 रनों का लक्ष्य। नॉटिंगहम में चल रहे मैच में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को दिया 348 रनों का लक्ष्य। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का किया था फैसला। फ्रेंच ओपन में अमेरिका की मैडिसन कीज ने 6-2, 6-4 के सीधे सेटों से कटरीना सिनियोकोवा को हराकर क्वार्टर फाइनल्स में बनाई जगह। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।